नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के स्टूडियो प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी आपके सामने हूं, बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं इकोनॉमिक्स के कुछ टॉप क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न का कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा। तो प्यारे प्यारे प्रश्न है, शुरू करते हैं इसकी श्रृंखला। और इसके पहले के जो हमारे संडे के सेशंस हैं उनको भी एक बार जाकर के देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने वहां पर कराए हुए हैं। जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशंस हैं, जैसे एसएससी जीडी नोटिफिकेशन आ चुका है, उम्मीद करता हूं आपने फॉर्म तक भर दिया होगा। नहीं भरा है तो अभी जाकर के फॉर्म भरिए। 24/11 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट का इंतजार मत किया करिए, फॉर्म जाकर के भर दीजिए और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, फटाफट बताइएगा क्या होगा इसका सही ऑप्शन। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट, आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग ये जो सब्जेक्ट है, क्या ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्या ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्या ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। बेसिकली संविधान का जो अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 7 किससे बिलोंग करता है, शेड्यूल 7 अनुसूची 7 बिलोंग करता है पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? इन द लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा। बेसिकली क्या होता है, संघ सूची में जितने भी विषय होते हैं वो सभी विषय पर जो कानून बनाने की क्षमता है वो केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सूची में जितने भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने की क्षमता राज्य के पास होती है। और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही माने होता है यहां पर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया, मतलब कहां पर डिफाइन है, समवर्ती सूची में, याद रखिएगा। और 5-year plan का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year plan, ये किस जगह से बोरो किया गया है, तो याद रखिएगा यूएसएसआर से बोरो किया गया है, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है। तो रूस से 5-year planning का कॉन्सेप्ट लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये शुरुआत करी थी 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी ने। किसने करी थी? एम विश्वेश्वरैया जी ने इसकी स्टार्टिंग करी थी। ध्यान रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा लिखी गई थी। उसी में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था पहली बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मींस, किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ यानी कि मंच से हटना का अर्थ क्या है, टेक ऑफ का अर्थ क्या है। बेसिकली आप देखते हो, ठीक है, कोई भी प्लेन होता है उसी को बोलते हैं ना टेक ऑफ और लैंडिंग। टेक ऑफ का मतलब क्या है, जमीन पर चल रहा था और धीरे धीरे ये आसमान में पहुंच के स्टेबल हो जाता है। तो टेक ऑफ स्टेज का मतलब ही क्या हुआ, आप ग्रो कर रहे हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, स्टेडी ग्रोथ बिगिंस, यानी कि स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है। टेक ऑफ का मतलब क्या है, जमीन छोड़ करके आप आसमान में जा रहे हो ना, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बनता है और इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टेडी ग्रोथ बिगिंस। तो टेक ऑफ स्टेज का मतलब याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जीडीपी का बढ़ना इसको दर्शाता है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किस पे मेजर करते हैं, हम जीडीपी ग्रोथ से मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन, भारत की 70% कामकाजी आबादी निम्नलिखित में से किसमें लगी हुई है। जो भारत की 70% आबादी है, आप सभी लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है इंडिया, ठीक है, कृषि से संबंधित। तो भारत की सबसे ज्यादा आबादी कहां लगी है, कृषि कार्यों में। और कृषि कार्य किसमें आते हैं दोस्तों, ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र का, बट कंट्रीब्यूशन के मामले में ये तीसरे नंबर पर आता है। अगर अर्थव्यवस्था में हम योगदान की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले है सर्विस सेक्टर, फिर आता है यहां पर सेकेंडरी, सर्विस को हम टर्शरी के नाम से भी जानते हैं, फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और थर्ड पे आता है प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है याद रखिएगा, वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार किसने दिया हुआ है, कृषि ने दिया हुआ है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, प्राइमरी सेक्टर। अगला प्रश्न,
इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है दोस्तों? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मिक्सचर। किसका मिक्सचर? कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजी अर्थव्यवस्था, इसके मिश्रण से जो अर्थव्यवस्था बनती है उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका कंफर्मेशन पहली बार कब दिया था भारत ने? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 जो कि 6 अप्रैल को आई थी, इसके तारीख पर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो 6 अप्रैल 1948 ध्यान रखिएगा, 6th ऑफ अप्रैल 1948 को जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ठीक है, यानी कि औद्योगिक नीति आई थी, इसी के द्वारा भारत को मिक्स्ड इकोनॉमी बताया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर सरकारी यानी कि सरकार और निजी एक साथ दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं, उसी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, परेशान मत होइएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सेड टू हैव प्रिवेंटेड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जा सकता है कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्रिकल डाउन प्रभावों को रोका है? सबसे पहले समझ लीजिएगा कि आखिर ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है। मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब क्या होता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो अमीरों को, जो रिच पर्संस हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेनिफिट प्रदान करती है। और इनको बेनिफिट कैसे प्रदान करेगी? टैक्स कटिंग करके। सरकार को लगता है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनसे अगर कम टैक्स लिया जाएगा तो इनके पास जो पैसा बचेगा, जो ये टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे थे, उसको ये वापस से इंडस्ट्रीज में लगाएंगे, जिससे इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और इकोनॉमी एक्सपैंड होगी। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है। समझ गए आप मेरी बात या नहीं? तो यानी कि सरकार यहां पर ये सोचती है कि अमीरों को या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको टैक्स वगैरह का लाभ दिया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। तो इसको कौन रोकता है? बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों 1 और 3, 1 और 3। तो यानी कि पहला कौन रोकता है? इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेस्ड इनपुट्स एंड प्राइवेटली मैनेज्ड इरिगेशन। यानी कि देखिए, भारत में इरिगेशन का भी सिस्टम भी पूरी तरीके से नहीं है, तो इरिगेशन प्राइवेटली मैनेज्ड है, यानी कि निजी, यानी कि जिसके खेत हैं उन्होंने अपनी तरफ से इरिगेशन फैसिलिटीज को रखा किया हुआ है। और डिपेंडेंसी है किसके अंतर्गत? एग्रीकल्चर ऑन परचेस्ड इनपुट, जो इनपुट्स हैं उनको परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, एक तो ये। दूसरा, लोअर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। भारत में जो महिलाओं की भागीदारी है एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में वो कम है ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। जो नई नई तकनीकियां आ रही हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाना है, मशीन्स चलानी है, तो इनमें महिलाएं उतनी पारंगत नहीं है। तो न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण जो कृषि की परंपरागत विधियां थी, आज भी आप परंपरागत तरीके से जब कृषि होती है तो महिलाएं पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती हैं। आप आसाम वगैरह में चले जाओ, चाय के बागान में चुनने का काम कौन करते हैं? महिलाएं करती हैं। इवन ब्रुकबांड ताजा के कवर पर भी आप देखते हो आपको महिलाएं दिखती हैं। तो ट्रेडिशनल वर्क है, अभी मशीनों से काम होने लगेगा तो टेक्नोलॉजी की उतनी ज्यादा समझ, उतनी ज्यादा नॉलेज अभी नहीं है। जो ऑब्वियसली उनको दी जाए तो वो सीख सकती हैं, लेकिन वो अभी नहीं है। तो ये जो दो मेन रीजंस हैं ये ट्रिकल डाउन थ्योरी को प्रिवेंट करते हैं इंडिया में। अगला प्रश्न, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग। सबसे पहले तो जान लीजिएगा इस योजना आयोग को एक जनवरी 2015 को बदल दिया गया और इसको बना दिया गया नीति आयोग। क्या बना दिया गया इसको? नीति आयोग बना दिया गया है। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग बना दिया गया पहली बात। लेकिन प्लानिंग कमीशन कब बना था समझिएगा, पहली बात करिए वो सेटअप इन 1950, ये बिल्कुल सही है, यस 1950 में, और वो भी तारीख थी दोस्तों 15 मार्च 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेचुरी, इवन स्टेचुरी बॉडी भी नहीं है, यानी कि कोई वैधानिक इकाई भी नहीं है ये। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी,
तो यस, एक एडवाइजरी बॉडी तो है ये, एडवाइज करती है सरकार को प्लानिंग के अंतर्गत, इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन है? पहला सही ऑप्शन है और तीसरा सही ऑप्शन है। तो पहला और तीसरा कहां है? सी में दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी होगा। और फाइव ईयर प्लान, जो आखिरी फाइव ईयर प्लान है वो भी याद रखिएगा, 2012 से 2017 के बीच में लास्ट फाइव ईयर प्लान चला है। इसके बाद फाइव ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, अब लॉन्च किया गया है दोस्तों विजन प्लान, जो कि 15 वर्षों के लिए है, फॉर 15 ईयर्स। फिर एक है स्ट्रेटेजी प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान जिसे लॉन्च किया गया है फॉर 7 ईयर्स। और फिर एक यहां पर है एक्शन प्लान, एक्शन प्लान जो कि 3 ईयर्स के लिए है। कब तक के लिए है? 3 ईयर्स के लिए है। चलिए अगला प्रश्न। एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाई, अविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। कोई व्यवस्था अगर अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है, तो उसकी क्या फीचर्स होंगे, उसकी विशेषता क्या होगी? पहला, लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कम आय, लो पर कैपिटा इनकम है तो प्रति व्यक्ति कम आय, यस बिल्कुल कम होता है। लो पर कैपिटा इनकम तो कम होगी, जब ओवरऑल इनकम कम है तो लो पर कैपिटा इनकम भी तो कम होगी, यह सही है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की निम्न दर। पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है? पूंजी से पूंजी बनाना। जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मैं बाजार में निवेश करूंगा, निवेश करके उस पैसे को बढ़ाऊंगा ना, मुझे ब्याज मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, तो 100 रुपए अगर मैंने बाजार में निवेश किए हैं तो कल को 110 होंगे, 120 होंगे, 130 होंगे। यह है कैपिटल से कैपिटल को क्रिएट करना, फिर वो ऐड कर लूंगा 130, वो निवेश करूंगा, तो कैपिटल से कैपिटल बनाना, इसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं दोस्तों। तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब कैपिटल ही कम होगी तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बातें तो सही है, लेकिन लो डिपेंडेंसी फिगर ये सही नहीं है। देन वर्किंग फोर्स लार्जरली इन द टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये दर्शाता है डेवलप्ड इकोनॉमी को। किसको दर्शाता है? डेवलप्ड इकोनॉमी को दर्शाता है, याद रखिएगा, डेवलप्ड इकोनॉमी को दर्शाने का कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला और दूसरा इज द राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। अगला, सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इंप्लाइज दैट अ कंट्री, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, जो आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ रिलायंट। तो सेल्फ रिलायंट के बारे में समझिएगा, मीट्स इट्स डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि अपने घरेलू उत्पादन से सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांगों को पूरा करता है। ऐसा हो सकता है, सोचिए आप। देन एक्सपोर्ट सम ऑफ इट्स गुड्स बट डज नॉट नीड टू इंपोर्ट एनीथिंग, ये तो सवाल ही नहीं उठता, does not need to import, हो ही नहीं सकता, import किए बिना काम ही नहीं चलेगा। then meets its demand, sorry, has sufficient foreign exchange reserves to buy all its need, ये तो होना चाहिए। अगर आपके पास foreign reserve नहीं होगा, यानी कि dollar वगैरह नहीं होगा, तो आप ये सोचिए, आप दूसरे देश से कुछ खरीद पाएंगे? मैं अगर अमेरिका से कुछ खरीदता हूं तो मुझे अमेरिका को डॉलर देने हैं ना, तो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व तो हमारे पास होना चाहिए अपनी डिमांड को मेंटेन करने के लिए, यस। अगला, मीट्स इट डिमांड फॉर सर्टेन वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो दोस्तों यहां पर सही ऑप्शन क्या है? यहां पर सही ऑप्शन है ओनली 3 और 4, तीसरा और चौथा, ध्यान रखिएगा, ये सही ऑप्शन है। ये दोनों सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एक्यूट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू फाइव ईयर प्लान्स, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का सटीक माप देता है? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का सटीक माप कौन देता है? क्या लगता है आपको? चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, रेलवे और सड़क मार्गों का विकास, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, औद्योगिक कस्बों और औद्योगिक संपदाओं का विकास। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, यानी कि राष्ट्र की आय बढ़े और प्रति व्यक्ति आय बढ़े, यही तो चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम।
द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाई विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बेसिकली ये विकेंद्रीकरण यहां पर बात कही जा रही है, थोड़ा सा ये पॉलिटी से रिलेटेड भी प्रश्न है, ये बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? द बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी कि गवर्नमेंट का सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, सरकार का जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, और डिसेंट्रलाइज करके पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत करी गई थी वो इसी समिति के द्वारा करी गई थी, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति। तो समझिएगा यहां पर बेसिकली चेयरमैन थे बलवंत राय मेहता और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? 24 नवंबर 1957 को। इसी के आधार पर 1959 में पहली पंचायती व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ये केम टू बी नोन एज पंचायती राज। तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज को भारत में लाने वाली जो समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी और इनका त्रिस्तरीय सिस्टम था। त्रिस्तरीय का मतलब है एक है विलेज लेवल, विलेज लेवल पर, ठीक है, विलेज लेवल पर, दूसरा ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल, और तीसरा हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ध्यान रखिएगा यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा बट पहचान लोगे आप, क्या है? मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट प्लान में क्या हुआ, सेकंड प्लान में क्या हुआ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांच पंचवर्षीय योजनाएं लिखी हैं, इनका टाइम मैं आपको लिख देता हूं। जो फर्स्ट यहां पर है, फर्स्ट कब से कब तक के लिए होता है मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट वाला आया है 1951 से 56, सेकेंड फाइव ईयर प्लान है 56 से 61, थर्ड फाइव ईयर प्लान है 61 से 66, फोर्थ फाइव ईयर प्लान है 69 से 74, और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है 74 से 78। इनका कार्यकाल भी मैंने यहां पर लिख दिया। अब समझिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले में लॉन्च किया गया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिफ्थ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस समझते हुए चलिएगा। तो बेसिकली यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है बी। बी में ए का देख लीजिए क्या क्या है यहां पर, ए का दूसरा जो मैंने आपको बताया ये लिंक कर दीजिएगा, ठीक है। देन बी का यहां पर क्या हो गया, पहला यानी कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। सी का तीसरे का तीसरा, तो थर्ड फाइव ईयर प्लान क्या कहता है, एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, और यहीं पर सेल्फ रिलायंस की भी बात पहली बार की गई थी। देन डी का पांचवा है ये वाला, इससे रिलेट कर रहा है। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में हमने सेल्फ रिलायंस जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले कहा था, तो यहां पर सेल्फ रिलायंस के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता के साथ में, स्थिरता के साथ में वृद्धि। और फिफ्थ का तो अपने आप फिर मिल गया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि सबसे पहले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या मिल गया दोस्तों, बी इज द राइट ऑप्शन, और इस पूरे को मैंने मैच कर दिया है, ध्यान रखिएगा। पहले फाइव ईयर प्लान के बारे में बात करें तो एक बात और याद रखिएगा, यह हेरोड डोमार मॉडल पर बेस्ड था। किस पर? हेरोड डोमार मॉडल। सेकेंड फाइव ईयर प्लान की बात करें तो यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल, जो कि पीसी महालनोबिस के नाम पर दिया गया था, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है। और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान तो एफडीपी धर बेसिकली थे जिनके आधार पर इसको बनाया गया था। अगला प्लान, अगला क्वेश्चन, इंडिया हैड अ प्लान हॉलिडे, भारत में थी छुट्टी की योजना, यानी कि बेसिकली किस फाइव ईयर प्लान के बाद, किस फाइव ईयर प्लान के बाद में क्या था, ठीक है, प्लान हॉलिडे था, प्लान हॉलिडे यानी कि योजना अवकाश। तो योजना अवकाश, अभी आपने यहां पर एक चीज देखी होगी, आपको मैंने समय बताया था ना, ये देखिएगा 66 से 69 के बीच में कुछ भी बताया मैंने यहां पर नहीं, तो 66 से 69 क्या रहा है भारत में, योजना अवकाश रहा है। तो किसके बाद में, आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966, 1966 में सूखा पड़ गया था, फैमाइन था, अकाल था, उस अकाल के बाद से अगले 3 साल तक कोई भी प्लान भारत में नहीं बनाया गया था। लेकिन अकेला ये रीजन नहीं था, इंडो चाइना वॉर भी इसका रीजन था, इस गैप का, और इंडो पाकिस्तान वार भी इस गैप का रीजन था।
क्योंकि 71 तो इसके बाद में था, बट ये तीनों रीजंस थे योजना अवकाश के। लेकिन किसके बाद आया था? ऑब्वियसली 66 के बाद आया था, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लेकिन ये तीनों कॉजेस थे इस गैप के, ये जो गैप हुआ था तीनों इसके कारण थे। अगला, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज निगेटिव इन द, कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। कृषि उत्पादन फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में बहुत अच्छा कृषि उत्पादन किया गया था, क्योंकि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ही क्या रखा गया था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास करना, ये रखा गया था। तो अगेन पहले में तो अच्छा था, सेकंड में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर दिया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को बना दिया था और कृषि क्या बन गई थी? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बट थर्ड में हमने बदला पैटर्न, थर्ड में फिर से हमने प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी थी, सेकेंडरी पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। लेकिन थर्ड फाइव ईयर प्लान के अभी रीजंस आपको बताए ना, 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, 1966 में ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया, तो इन कारणों की वजह से कृषि की पैदावार ही नहीं हो पाई और फोकस नहीं दे पाए। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो था वो नेगेटिव हो गया था, माइनस में चला गया था, माइनस में, ठीक है। तो इट एम्ड एट इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय 30%, तो कृषि के उत्पादन को 30% तक बढ़ाया जाना ये इस योजना का उद्देश्य रखा गया था, बट यह योजना अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई थी। अगला, दादा भाई नौरोजी थियोराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत से धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। तो दादा भाई नौरोजी जो कि भारत में नेशनल इनकम के प्रतिपादक थे, राष्ट्रीय आय के प्रतिपादक थे, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में और किस तरीके से अंग्रेज यहां से कैपिटल या इनकम लेकर के अपने देश जा रहे हैं, ये पूरा इन्होंने अपनी एक किताब के माध्यम से बताया था। उस किताब का नाम था दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी इज द राइट ऑप्शन। 1867-1868 में यह कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था और दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर भी कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि हु वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान्स रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से एक ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा नेसेसरी है, ये फोकस किस फाइव ईयर प्लान ने दिया था? आज भी अगर हम बात करते हैं दो शब्द आते हैं, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। तो रियल में आर्थिक विकास हम तभी मानते हैं जब हमारा डेवलपमेंट किसमें हो? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसीलिए हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बहुत सारे आयाम लिए जाते हैं, जीवन प्रत्याशा का भी उसमें आयाम है, एजुकेशन का भी उसमें आयाम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी उसमें आयाम है। तो जब व्यक्ति, इसी को क्या बोलते हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, चौमुखी विकास। जब सिर्फ हम विकास को क्वांटिफाई नहीं करेंगे कि जीडीपी बढ़ रही है तो देश का विकास हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब व्यक्ति का विकास हो रहा है तब सही मायने में विकास माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहां दिया गया था? 8th 5-year plan में दिया गया था, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था यहां पर? आठवीं पंचवर्षीय योजना फिर से देख लीजिएगा, पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61, ठीक है, तीसरी 61 से 66, चौथी 66 से 69, सॉरी चौथी यहां पर है 69 से 74, क्योंकि गैप रहा है, पांचवी 74 से 78, छठी यहां पर रही है 80 से 85, सातवीं यहां पर रही है 85 से 90, और आठवीं पंचवर्षीय योजना ठीक है 92 से 97, क्योंकि फिर गैप आ गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो 1992 से 1997। द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र किस अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे, या कह सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में इनको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था? तो इनको स्थापित किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? सेकेंड फाइव ईयर प्लान। जब डिस्कस किया गया था किसके बारे में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या डिस्कस किया गया था?
सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था। तो ये तीन प्लांट्स बनाए गए थे और इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। यूनाइटेड किंगडम की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट बना था 1959 में, ध्यान रखिएगा 1959 में। तो यूके की सहायता से 1959 में दुर्गापुर स्टील प्लांट बना, ठीक है। दूसरा भिलाई स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो ये यूएसएसआर के सहयोग से 1955 में बना है, ठीक है, और अब जिसे रशिया कहते हैं। और ये प्लांट बना तो 55 में था लेकिन काम इसने कब से शुरू किया, 1959 से, ठीक है। देन राउरकेला स्टील प्लांट, ये राउरकेला में स्टैब्लिश, राउरकेला उड़ीसा में 1959 में स्टैब्लिश किया गया था वेस्ट जर्मनी के सहयोग से, वेस्ट जर्मनी के सहयोग से, और 1959 से इसने काम करना शुरू किया था। इसके भी एस्टैब्लिशमेंट की बात 1955 में की गई थी। तो ये तीन देशों के सहयोग से तीन स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न जल्दी से देखिए और बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, घटते क्रम में कौन सा सही क्रम है। अभी आपको घटता हुआ क्रम बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है, कृषि क्षेत्र में, लेकिन कृषि क्षेत्र का योगदान तीसरे नंबर पर है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तीसरे नंबर पर है और घटते हुए क्रम में बताना है, तो यानी कि जीडीपी में जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले, जो दूसरे नंबर पर है वो दूसरे नंबर पर, जो तीसरे पे है तीसरे पर। तो पहले पर है सर्विस, दूसरे पे इंडस्ट्री और तीसरे पर एग्रीकल्चर। सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये हो गया टर्शरी सेक्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। और सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 56 से 58% के आसपास है। तो आप आज की डेट में आप सर्विस बेस्ड इकॉनमी इंडिया को कह सकते हो। अगला, अ क्लोज्ड इकॉनमी इन एन इकॉनमी इन विच, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। क्लोज्ड इकॉनमी उसे कहते हैं जिस इकॉनमी का या जिस अर्थव्यवस्था का आयात और निर्यात जीरो होता है। वो ना तो किसी दूसरे देश को कुछ भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, ना तो किसी दूसरे देश से कुछ मंगा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि उनके दरवाजे बंद हैं दूसरे देशों के लिए। ना तो वो वहां पर आकर बिजनेस कर सकते हैं, ना वो जाते हैं उनके वहां पर बिजनेस करने के लिए। तो जिस भी अर्थव्यवस्था का या जिस देश का आयात निर्यात जीरो होता है उसे क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अगला, द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है। स्लैक सीजन किसे कहते हैं, सुना होगा आपने ये टर्म स्लैक सीजन। स्लैक सीजन का मतलब तो यही हुआ बेसिकली मंदी। देखिए भारत में जो कृषि वर्ष की शुरुआत होती है वो जुलाई से होती है। जुलाई से दिसंबर का जो समय होता है वो मुख्य फसलों का समय होता है, जुलाई से दिसंबर। तो इस समय तो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम होता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग किस में लगे हुए हैं, कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो उस समय सबसे ज्यादा काम होता है। और जनवरी से जून का जो समय होता है यह सुस्त कहा जाता है क्योंकि इस समय कृषि में बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, कृषि में बहुत ज्यादा काम नहीं होता है तो लोग खाली होते हैं। खाली हैं तो क्या है, सुस्त रहेंगे। तो इसलिए स्लैक सीजन जनवरी से जून कहा जाता है और मेन सीजन जो है वो जुलाई से दिसंबर के बीच में माना जाता है। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज, भारत में अधिकतर पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रकार को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, फिर से आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है, यह है दोस्तों डिसगाइज्ड, प्रचंड बेरोजगारी, या इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जरूरत एक की है और काम चार लोग कर रहे हैं, यानी कि तीन लोग अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। अगर वो तीन लोग उस कार्य से हटा दिए जाएं तो कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भारत में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू, अभी बताया आपको प्रचंड बेरोजगारी, इस पर कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्रचंड बेरोजगारी, भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर यस, रूरल एरिया यस, फैक्ट्री सेक्टर नहीं,
अर्बन एरिया नहीं, तो सही ऑप्शन क्या है, वन एंड टू, पहला और दूसरा इज द राइट ऑप्शन। इन दोनों जगहों पर, इन दोनों जगहों पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, चक्रीय बेरोजगारी का तात्पर्य है, याद रखिएगा, साइक्लिकल और सीजनल में कंफ्यूजन हो जाता है, साइक्लिकल और सीजनल में, तो समझिएगा, सीजनल तो मौसम होता है, जैसे बारिश के मौसम में आप जानते हो ईंट भट्ठे वगैरह नहीं चलते हैं, बारिश के मौसम में क्या होता है, जो सुगर मिल्स होती हैं बंद हो जाती हैं, बहुत सारे काम समय से बंद हो जाते हैं ना बारिश की वजह से, तो अब आप समझिएगा यहां पर मौसम के अनुसार कभी जरूरत है कभी जरूरत नहीं है, तो मौसम के अनुसार जो बेरोजगारी बढ़ती या घटती है, जो बेसिकली बेरोजगारी है, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब अराइज होता है जब अर्थव्यवस्था का चक्र, यानी कि अर्थव्यवस्था जब मंदी में होती है, अर्थव्यवस्था कभी बहुत संपन्न भी होती है कभी मंदी में होती है, तो जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है, आर्थिक मंदी है, तब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है। तो इसका सही ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ अ ट्रेड साइकिल, एक व्यापारिक चक्र का रिसेशन से फेज जब चल रहा होगा तभी क्या किया जाएगा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगा। अगला, विच कमेटीज रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। गरीबी रेखा, बेसिकली गरीब किसे कहते हैं पता है आपको, गरीब उसे कहते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसे गरीब कहते हैं। और भारत में गरीबी रेखा का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है, उस गरीबी रेखा का निर्धारण कई बार किया जा चुका है। तो बेसिकली अभी जो लिया जा रहा है वो लकड़वाला समिति की सिफारिशों को लिया जा रहा है। लकड़वाला समिति ने वाई के अलग कमेटी जो बनी थी, वाई के अलग समिति की कैलोरी सिस्टम को फॉलो किया था, ठीक है, सेटिंग द पॉवर्टी लाइन एट 2400 कैलोरी फॉर अर्बन एरियाज एंड 2100 कैलोरीज फॉर रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए और अर्बन क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, क्योंकि शहर के लोग कम श्रम करते हैं, गांव के लोग ज्यादा श्रम करते हैं, तो इस कैलोरी के आधार पर डीटी लकड़वाला ने कंफर्मेशन दिया था, गरीबी का आकलन दिया था, ठीक है। तो यहां पर एडजस्टिंग पॉवर्टी लाइन इन्होंने क्या क्या किया था, एडजस्टिंग पॉवर्टी लाइंस फॉर चेंजेस इन प्राइस एंड कंजम्पशन पैटर्न, और दूसरा कंस्ट्रक्टिंग स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, यानी कि हर राज्य की अपनी अलग अलग पॉवर्टी लाइन डिस्कस करी थी। तो एट 1993 प्राइसेस, 1993 में इनकी रिपोर्ट आई थी, उस प्राइसेस के आधार पर पॉवर्टी लाइन अनाउंस टू 115 रुपए पर कैपिटा पर मंथ, प्रति व्यक्ति प्रति माह 115 रुपए, ठीक है, और 166 पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरियाज। तो 115 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, और 166 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये कहां पर, शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहर में खर्चा ज्यादा होता है, कैलोरी कम लोगे, लेकिन क्योंकि चीजें शहर में महंगी मिलती हैं तो पैसे ज्यादा चुकाने होते हैं, गांव में कैलोरी तो ज्यादा ले रहे हो क्योंकि चीजें सस्ती हैं, इसलिए पैसे कम चुकाओगे। तो डीटी लकड़वाला याद रखिएगा, दैट्स इट। अगला प्रश्न, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस, देखिए पॉवर्टी दो प्रकार की होती है, गरीबी दो प्रकार की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है जो गरीबी रेखा सरकार ने निर्धारित करी हो उससे कम पर, जैसे अभी आपको बताया ना 115 166, अब यहां पर अगर किसी व्यक्ति की 115 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की आय नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक रेखा का निर्धारण किया, रेखा के ऊपर हो तो गरीब नहीं हो, रेखा के नीचे हो तो आपको गरीब माना जाएगा, जब यही डेफिनेशन लेते हैं तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी कही जाती है। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है दूसरे के कंपैरिजन में हम गरीब हैं, जैसे आपका घर 2 मंजिल का है, आपके सामने आपका फ्रेंड रहता है उसका घर 4 मंजिल का है, तो आप उससे गरीब हुए ना, यानी कि उसकी वेल्थ ज्यादा है आपकी वेल्थ कम है। मुकेश अंबानी वैसे तो इंडिया के और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम इनकी तुलना मार्क जुकरबर्ग और एलॉन मस्क से करते हैं तो वो क्या है, उनके कंपैरिजन में गरीब है उनके कंपैरिजन में, ध्यान रखिएगा। तो कंपैरिजन से गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, यानी कि पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के पूर्ण स्तर के संदर्भ में गरीबी, ठीक है। अगला, Which of the following accounts for cost push inflation? Inflation का मतलब है महंगाई। महंगाई कब होती है, जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है,
कॉस्ट पुश का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ा है लेकिन लागत बढ़ने के कारण। दो रीजन होते, एक होता है डिमांड पुश, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि मांग जनित मुद्रा स्फीति, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट पुट है, लागत जन्य मुद्रा स्फीति। ये कैसे होगी? इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। देखिए, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो सारे इन्फ्लेशन होंगे, वो फिर हम कॉस्ट पुश की बात नहीं कर सकते। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ये डिमांड बढ़ गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोडक्ट मांगेंगे, महंगाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है तो इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कॉस्टिंग का लेना देना नहीं है, बट डायरेक्टली कॉस्टिंग का लेना देना किससे है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अगर सरकार कर बढ़ा देती है तो कर जिन भी इंडस्ट्रीज पर बढ़ाएगी वो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट को महंगा कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट, जब हम ओवरऑल किसी प्रोडक्ट का प्राइस निकालते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू लिखी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगला, डीवैल्यूएशन मींस, बेसिकली डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ है। देखिए, एक रुपए, एक डॉलर बराबर इस समय चल रहा है लगभग 82 रुपए। अब सरकार कह दे कल से एक डॉलर बराबर हो गया है 85 रुपए, यानी कि अपने रुपए की वैल्यू गिर गई इन कंपैरिजन टू डॉलर, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। सरकार के द्वारा किया गया है तो डीवैल्यूएशन, अपने आप बाजार में हुआ है मांग और आपूर्ति के नियमों के कारण, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि हराश के नाम से जाना जाता है। तो डीवैल्यूएशन अब तक 3 बार सरकार ने किया है, कुल 3 बार किया है, डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपेरिजन ऑफ सम फॉरिन करेंसी। तो लोअरिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी, अपनी करेंसी की वैल्यू को ही तो लोअर कर रहे हैं, ठीक है, कहां 82 रुपए था, कहां कितना कर दिया, 1 डॉलर 85 रुपए, समझ गए मेरी बात। तो इंडियन रूपी वॉज डीवैल्यूएड इन 3 इंस्टेंस, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले 1949 में हुआ था, फिर 1966 में हुआ था, फिर 1991 में हुआ था। 1991 में 2 बार हुआ है, एक हुआ है 3 जुलाई को और एक हुआ है 1 जुलाई को, तो यहां पर 2 बार हुआ था। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो 3 बार डीवैल्यूएशन सरकार के द्वारा किया जा चुका है। बाकी अभी जो सिनेरियो चल रहा है डॉलर और रूपी का, कम ज्यादा होता रहता है, ये सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मांग और आपूर्ति के नियमों के कारण होता है, सरकार इसको अब कम ज्यादा नहीं कर रही है। अगला, 1 रुपी करेंसी नोट्स बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, 1 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? कभी देखा है आपने, ध्यान दिया है आपने, बताइए मुझे, बहुत आसान सा प्रश्न है। 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के, और एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, सभी नोटों पर सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर के होते हैं, चाहे वो 10 रुपए का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, जितने का भी। और नोट मैक्सिमम 1000 रुपए का हो सकता है, 1000 से ऊपर का नोट नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। When was the decimal system of currency introduced in India? भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू करी गई थी? आज हम 1 रुपए में क्या बोलते हैं? 100 पैसे बोलते हैं, 100 पैसे। पहले आना चलता था, आपको पता है ना, आना आना। तो गेन यहां पर पहले 16 के सिस्टम में था, 16 पैसे, 64 पैसे। तो पहले 1 रुपए में क्या था? 64 पैसे थे। 1 रुपी बराबर क्या था पहले? 64 पैसे। तो ये दशमलव प्रणाली शुरू कर दी गई थी और 1 रुपए को 100 पैसे बना दिया गया था। ये प्रणाली कब आई थी? 1957 में ये प्रणाली आई थी, जिसे हम मुद्रा की दशमलव प्रणाली के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके पहले आना सिस्टम चलता था, आना, जहां पर एक मतलब 64 की बात करी जाती थी तो 64 पैसा होता था, उसी 1 रुपए कहते थे। द स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय द सिक्योरिटी प्रेसेस इन द कंट्री इज मैन्युफैक्चर्ड एट। भारत में नोट छापा जाता है कहां कहां पर? 4 प्लेसेस हैं जहां पर नोट छापा जाता है, नासिक, देवास, साल्बनी, मैसूर, साल्बनी और मैसूर, ठीक है, याद रखिएगा इन 4 जगहों पर। लेकिन नोट छापने के लिए जो कागज आता है वो कागज कहां पे प्रिंट किया जाता है? सिर्फ एक जगह पर प्रिंट किया जाता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, और यहीं पर स्टैंप पेपर भी प्रिंट होता था। स्टैंप पेपर, स्टैंप पेपर, अब तो ई स्टैंपिंग हो गई है, पहले स्टैंप पेपर यहां पर भी प्रिंट किया जाता था होशंगाबाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
अगला माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद. देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो यानी कि बड़े लेवल पर, माइक्रो यानी कि छोटे सूक्ष्म लेवल पर. माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं और माइक्रो में ओवरऑल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं. सरकार कुछ करे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आप कुछ करें अपनी फैमिली के लिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. तो देखिएगा यहां पर बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर, ये माइक्रो में आएगा, माइक्रो में तो यस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो डिसीजन मेकिंग है. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आय रोजगार का स्तर, ये सरकार का काम है तो ये माइक्रो में आएगा. चेंजेस इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात आएगी, सरकार की. अगला डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस को डिटरमाइन करना यानी कि निर्धारण करना, यह भी व्यक्ति के हाथ में है. तो सही ऑप्शन क्या है, एक और चार. क्या है सही ऑप्शन, एक और चार, ध्यान रखिएगा. उम्मीद करता हूं आज के सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे. तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे दीजिए इजाजत ऐसे ही सेशंस के लिए, आप फिर से हमारे साथ जुड़े संडे को. तो नेक्स्ट संडे हम फिर आपके सामने ऐसे अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स के प्रश्न लेकर के हाजिर होंगे. तब तक मुझे दीजिए इजाजत. थैंक यू.